हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। माई सेल्फ राजेश बिश्नोई। आज अपन बेलमैन फोर्ड की एल्गोरिथम के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम्स, इट इज़ ए सिमिलर टू डिस्केस्ट्रा एल्गोरिथम्स, बट डिस्केस्ट्रा एल्गोरिथम के अंदर नेगेटिव एज को अपन नहीं लेते हैं, बेलमैन फोर्ड के अंदर नेगेटिव एज को लेते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डिस्कस करूंगा कि यहाँ पे एक फर्स्ट इटरेशन चलाया। इटरेशन में क्या करते हैं, मैंने मेरे पास यहाँ पे सोर्स कौन कौन से हैं, एस टी एक्स वाई और जेड। मैंने एस सोर्स को मैंने फर्स्ट ऑफ इनिशियली सोर्स चूज किया है, उसको मैंने जीरो, एस से मेरे को टी जाने में इन्फिनिटी, एस से मेरे को एक्स जाने में इन्फिनिटी, एक्स से मेरे को वाई जाने में इन्फिनिटी, जेड जाने में। अब आई बराबर वन पे चलाया मैं, एक्स से एक्स टी पे गया तो मेरे पास कितना है सिक्स, और एस से वाई पे गया तो मेरे पास क्या है सेवन। टी का सोर्स क्या है एस और वाई का सोर्स इटरेशन टू पे आया मैं। इटरेशन टू के ऊपर मैं यहाँ पे देखूंगा कि यहाँ पे टी के ऊपर गया तो टी का यहाँ पे टी से कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, टी से मैं एक्स जा सकता हूँ, टी से एक्स की वैल्यू कितनी है फाइव। यहाँ पे टी से एक्स की वैल्यू कितनी है फाइव और टी की वैल्यू कितनी है सिक्स, तो सिक्स प्लस फाइव क्या हो गया इलेवन, और एक्स का सोर्स क्या हो गया टी। और उसके बाद में मैं देखूंगा कि यहाँ पे, और नेक्स्ट मैं टी से वाई आता हूँ तो टी से वाई में मेरे को सिक्स और एट कितने हो जाते हैं इलेवन, जो यहाँ पे सिक्स और एट फोर्टीन होते हैं, जो इलेवन से ज़्यादा हैं। अब मैं टी से आता हूँ जेड, टी से जेड आता हूँ तो मेरे पास कितनी है यहाँ पे माइनस फोर, और टी पे कितना है सिक्स, तो सिक्स प्लस बिजिकल टू टू, तो वैल्यू कितनी मिली जेड पे टू। अब यहाँ पे टी से जेड पे टू हो गई, इसका सोर्स क्या हो गया जेड का सोर्स टी, ठीक है। इनमें से सबसे मिनिमम कौन सा है टू, तो यहाँ पे मैं इटरेशन थ्री के अंदर आऊँगा, इटरेशन थ्री में मिनिमम यहाँ पे वैल्यू टू है, तो टू पे मैं जेड पे आ गया, तो जेड पे मैं सबसे पहले देखूँगा जेड पे, जेड जेड के ऊपर जेड से मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, जेड से मैं एक्स जा सकता हूँ, जेड से मैं एस जा सकता हूँ, एस जाऊँगा नहीं, जेड से मैं एक्स जा सकता हूँ, तो एक्स से एक्स कितना है सेवन, सेवन और टू कितना हो गया नाइन, तो यहाँ पे पहले से ऑलरेडी एक्स पे कितना आया हुआ इलेवन, तो यहाँ पे ये वापस मैं चेंज करके यहाँ क्या लिख दूंगा नाइन, और इसका सोर्स चेंज हो जाएगा, टी का सोर्स क्या हो जाएगा एक्स का सोर्स क्या हो जाएगा जेड, ठीक है। नेक्स्ट अब मैं ये चीज़ देखूंगा, और मैं जेड से कहाँ जा सकता हूँ, और मैं जेड से कहीं नहीं जा सकता, ठीक है। इटरेशन फोर पे आया, इटरेशन फोर इनमें से मिनिमम कौन सा है सेवन, सेवन मतलब मैं वाई पे, तो वाई पे मेरे पास सेवन है, तो वाई पे मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, सिक्स और टू तो हो गया, तो नेक्स्ट आता है सेवन। अब सेवन वाई से मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, वाई से मैं जेड जा सकता हूँ, वाई से मैं जेड जाऊँगा तो जेड तो ऑलरेडी टू है, ये तो कम ही है, और वाई से मैं नेक्स्ट एक्स जाता हूँ तो यहाँ पे सेवन माइनस थ्री क्या हो जाता है फोर, जो नाइन से कम है, तो यहाँ पे इसको काट के मैं क्या लिख दूंगा फोर, और इसका एक्स का सोर्स क्या हो जाएगा वाई, एक्स का सोर्स हो जाएगा वाई, और यहाँ पे मैं वाई से कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, और मैं कहीं नहीं जा सकता, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इटरेशन फाइव, इटरेशन फाइव के अंदर क्या हो जाता है, नेक्स्ट सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है फोर, तो फोर यहाँ पे एक्स, एक्स से मैं कहाँ जा सकता हूँ, एक्स से मैं जा सकता हूँ टी, तो टी की एक्स की वैल्यू कितनी है फोर, तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी फोर माइनस टू टू, तो यहाँ पे आ गया मैं ये नेक्स्ट यहाँ पे आ गया टी टू, और इसके बाद में आएगा टी का एक्स, टी का सोर्स नेक्स्ट, टी का नया सोर्स क्या हो जाएगा एक्स, और अब यहाँ पे मैं सबसे मिनिमम वैल्यू चूज कर लूँगा, टी की मिनिमम वैल्यू क्या आई है टू, एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या आई है फोर, और एस की मिनिमम वैल्यू सेवन, और जेड की वाई की मिनिमम वैल्यू सेवन, और जेड की मिनिमम वैल्यू टू। देखो एस से मैं कहाँ गया, एस से मैं वाई गया, और फिर वाई से मैं कहाँ गया एक्स, वाई से मैं एक्स गया, और फिर मैं एक्स से मैं कहाँ गया एक्स से मैं टी, एक्स से मैं टी, और नेक्स्ट टी से मैं कहाँ गया यहाँ पे नेक्स्ट जेड, ठीक है। इस तरीके से मेरे को एक शॉर्टेस्ट पाथ